हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ्स के एक से लेके हजार के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में। इसके लिए मैं सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको एक से लेके 30 तक का बीच में जो भी स्क्वायर्स आते हैं वो आपको लर्न कर लीजिए। जैसे एक से 30 के बीच के जो भी स्क्वायर्स होते हैं, जैसे एक का स्क्वायर होता है एक, वैसे ही 30 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, आप लर्न कर लीजिए क्योंकि ये लर्न करना इजी हो सकता है क्योंकि आपने एट्थ क्लास तक सभी के पास मैथ्स रहती है तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे याद करना होता है। बट जब आप थोड़ा बड़े लेवल पे आ जाते हो ना, जैसे आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप जैसे किसी बड़ी संख्या के स्क्वायर निकालना है तो वो आप लर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। आप सोचिए कि आपको 58 का, 580 का, 295 का आप स्क्वायर याद कर लें तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम कैसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। जो बच्चे बैंक की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखाती हूँ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि आप एक से 30 के बीच के स्क्वायर सारे याद कर लीजिए जिससे आप किसी भी बड़ी संख्या के अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो आपको ईजी हो जाए कि आप निकाल लें। ठीक है, तो मैं आपको वो भी एक तरीका बताऊं जिससे आप एक से लेके 30 के बीच के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बट मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि मैं थोड़ी बड़ी संख्याओं पे मैं जाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 25 से 75 के बीच में जो भी स्क्वायर्स होते हैं के बीच के संख्याओं का स्क्वायर निकालना। ओके, ओके फ्रेंड्स। हाँ जी, तो जैसे मैंने मान लीजिए, सपोज दैट मैंने जो संख्या ली है वो है 38। ओके, 38 का आपको स्क्वायर निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे? पहले मैं इसमें दो तरीके में बताऊंगी। तो पहले मैं जो तरीका बता रही हूँ वो आप ये देखिए, 25 से 75 के बीच में आपका बेस क्या रहेगा? 50 रहेगा। ओके, 50 क्या रहेगा आपका बेस। अब आप ये देखिए कि ये जो 38 है वो 50 से कितना कम है। तो आप जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि आपको लेस कैसे करना है। तो 50 में से 38 जब आप लेस करोगे कितना रह जाएगा? 12 रह जाएगा। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है? 144। तो हमें लास्ट की 2 यूनिट डिजिट लेनी है। हमने लिख लिया 44, आपका कैरी क्या हुआ? 1। ठीक है, अब जो भी हमारा 50 से 38 में आने तक जितना भी कम है, जैसे इसमें 12 कम है तो 12 जो है हम 25 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 25 में से जब हम 12 घटाते हैं तो कितना रह जाता है फ्रेंड्स? 13 रह जाता है। और 13 में हम एक ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 14। आप चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन में कि 38 का स्क्वायर 44 ही होता है। ओके, अब जैसे आपने दूसरी एक और मैं आपको समझाने के लिए संख्या और ले लेती हूँ, जैसे 50 के अबव ले लेती हूँ जो 75 के अंडर रहेगी। ओके, तो जैसे संख्या मैं लेती हूँ 63 का स्क्वायर। तो 63 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये आप देखिए, बेस हमारा क्या हमने माना? 50। तो 50 से ये कितना ज़्यादा है क्योंकि 63 50 के ऊपर है तो ये ज़्यादा हो गई ना। तो 50 से 63 के बीच में पहुँचने के लिए आपकी ये संख्या कितनी ज़्यादा है? 13, यानी 13 ज़्यादा है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ओके, तो हमने लास्ट की 2 यूनिट डिजिट लिखनी है 69। आपका कैरी क्या आया? 1। ओके, अब ये आप देखिए कितना ज़्यादा था? 13। जब यहाँ पे कम था तो हमने 25 से घटाया था, जब यहाँ पे ज़्यादा है तो हम 25 में जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे। तो 25 में 13 ऐड करें कितना हो जाएगा? 38। और 38 एंड प्लस ये जो हमने 1 करना है तो कितना हो जाएगा? 39। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ना? एक चीज़ और मैं सिखाती हूँ, जैसे कोई भी संख्या जिसकी लास्ट की जो यूनिट होती है 5 हो, ठीक है, 5 का स्क्वायर निकाल, जिसकी जो संख्या
जिसकी लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो, 5, उसका स्क्वायर निकालना और भी इजी है। वो कैसे है, 5 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं 25, और जो ये संख्या, जो पहली जो संख्या होती है, इसकी एक ज़्यादा संख्या से इसको हम गुणा कर देते हैं, यानी 2 से एक बड़ा क्या होता है, 3, तो 3 दुनी 6, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 85 का स्क्वायर कैसे होता है, 5 का स्क्वायर यानी 25, और 8 से बड़ी होती है 9, 8 × 9 = 72। आपको इतना समझ में आया? अब मैं आपसे आगे बढ़ती हूँ 75 से 100 के बीच की संख्याओं की, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ स्क्वायर निकालना। ओके, तो इसमें थोड़ा सा इससे चेंज है, बट बहुत ही इजी तरीका आप सीख सकते हैं। जैसे आपने, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 75 से 125 के बीच में। ओके, तो आप जैसे संख्या ले रहे हैं, पहले मैं संख्या ले लेते हैं 86 का स्क्वायर। ओके, अब 8600 से कितना कम है, 14 कम है, 14 यानी 14 कम है, 14 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके, 196 की हम लास्ट की 2 यूनिट डिजिट लेते हैं, 96, कैरी आपका क्या आया, 1। ओके, 1 हम यहीं पे रखेंगे, कितना कम है, 14 कम है। फिर हम क्या करेंगे, जो संख्या दी है जितना कम है उसी में से घटा देते हैं, तो 86 में से 14 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 72, राइट ना, 72। एंड जो हमारे पास ये 1 है जो हमारा कैरी था, उसमें हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 73। इजी है ना, इजी तरीका। अब मैं आपको दो संख्या मैंने 100 से कम वाली बताई, अब 100 से कुछ ज़्यादा जो 125 के अंदर हो, तो जो संख्या है वो हमने ली जैसे 103 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। 103 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 100 से कितनी संख्या ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा आपकी 2 यूनिट डिजिट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 9 आपकी सिंगल है तो हम इसको 09 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 09 लिखना 9 ही होता है। ओके, अब ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि ज़्यादा होगा तो 25 में जुड़ेगा और कम होगा तो घटेगा, ऐसे ही इसमें 100 से ज़्यादा है तो जो संख्या दी है उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो ये 09 3 ज़्यादा है तो 103 दी हुई है, 103 में 3 और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 106। आया ना समझ में, इसमें कैरी तो कुछ था नहीं जिसमें हम जो जोड़ते। अब एक संख्या और ले लेते हैं, इसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर लास्ट की, अब देखते हैं 100 से 119 कितना ज़्यादा है, तो 19 ज़्यादा है ना, तो 19 का स्क्वायर आपका होता है 361। तो हम लास्ट की 2 यूनिट डिजिट लेंगे, 61, कैरी आपका क्या आया, 3। अब ये देखिए 119 100 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो हमें 119 में 19 जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा, 138, और 3 हमारा था कैरी तो कितना हो गया, 141। आया ना आपको समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो 125 के ऊपर और 1000 तक कोई भी ऐसी संख्या, जो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताती हूँ। जैसे आपने संख्या ले ली 253, ओके, अब इसके निकालने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला ये है आपका, ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आप ये लाइन खींचेंगे, 2ab और बी स्क्वायर, ओके, 253। हम लास्ट की यूनिट डिजिट एक सिंगल रखेंगे, उसके आगे की एक सिंगल रहेगी, ये आप 1000 तक के बीच में किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो ये हमने मान लिया, ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी, ओके। अब हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। अब 25 का आपको स्क्वायर याद होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, हम इस फॉर्मूले में इसको भरते जाएंगे। 2ab का मतलब होता है 2×25×3, यानी 2a और b, ओके, और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, ओके। अब जैसे ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया, नहीं तो जब आप ये कर लेते हैं तो ये आप मन में ही याद कर सकते हो, तो ये आपकी लाइन एक बच जाती है, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसको करेंगे 25 × 50, 50 × 150 होता है ना। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये लास्ट में 20 का है ना, जो ये डिजिट होती है, ये सिंगल डिजिट है तो आपने उतार ली 9,
अब यहाँ पे तो कुछ तो कह रही नहीं आया, आपने इसकी डिजिट डाल ली 0, ये कितना बचा आपका 15, ये 15 आपका आगे आ गया और ये इसमें ऐड हो गया, ये 5 5 10 कैरी एक आया, 2 1 3 1 4 और ये 6, ये आपका निकल आया 253 का स्क्वायर। ओके, मैं आपको और समझाती हूँ, जैसे आपने ले लिया 563 ओके का स्क्वायर निकालना है आपको, कैसे आप निकालेंगे वो आप देखिए, हमारा वही फॉर्मूला चलना है, आप फिर से लिख लीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लास्ट यूनिट डिजिट को एक सिंगल रखा और इसके आगे को एक रखा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। अब देखिए 56 का स्क्वायर के लिए आपको तो याद नहीं होगा, हम फटाक से जो हमने ये वाली ट्रिक बनाई थी ना, हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं, कैसे, ये हमारा 50 से ज़्यादा है यानी 6 ज़्यादा है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 ओके, और कितना ज़्यादा है 6, तो 25 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31, सही बोल रही हूँ ना मैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना होता है, 2AB, तो 2AB यानी 2AB 2 3 6 और 6 की 56 से गुणा कर दी, 6 6 36 का 6 3 आया हासिल आपका, 6 5 30 और 3 33 सही है ना, और 20 का यानी 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी सॉरी 3 का स्क्वायर 9 ओके। अब हमें आपको ऐड करना है, तो 9 उतार लिया, इसका 6 उतार लिया और ये बचा 33, ये आ गया आपका आगे, तो ये हो गया 6 3 9 3 3 9 और 1 और 3 सॉरी 6 3 9 3 3 6 और ये आ गया 1 और 3 ठीक है, आपको समझ में आया। एक मैं ऐसे डिजिट बताऊँ जो यहाँ पे लास्ट में डबल डिजिट हो, कैसे आप कर लेंगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। एक मैं डिजिट ले लेती हूँ, जैसे 852 का आपको स्क्वायर निकालना है, देखिए थोड़ा वहाँ पे मुझसे ऐड करने में दिक्कत हो गई थी इसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे देखिए 852 का स्क्वायर आपको निकालना है, कैसे निकालना है, 85 का स्क्वायर क्या होता है, आप तुरंत ही आप 75 से 125 के बीच में पहुंच जाइए, आप देखिए 100 से कितना कम है, 85 15 कम है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 का 25 हमने लिखा, कैरी आपका आया 2 और कितना कम है 15 कम है, तो हम जो संख्या होती है उसी में से उतना घटा देते, तो 85 में से 15 जाएगा आपका बचेगा 70, 70 में 2 जोड़ेंगे 72 ठीक है ना, फिर 85 का अब हम 2AB लेंगे, तो 2 2 4 ठीक है, और 4 5 20 0 2 आया कैरी, 2 4 8 32 32 2 34 ठीक है ना, और 2 2 4 अब फिर देखिए मैंने वही डिजिट ले ली जिसमें लास्ट में सिंगल डिजिट आ रही है, बट कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, 4 हमने उतार लिया, इसका 0 उतार लिया और ये 34 आपका यहाँ पे आ गया और ये कितना हो गया 9 5 2 7 ठीक है। अब एक डिजिट ऐसे ले लेती हूँ जिसमें ये थोड़ा डबल हो जाए, अब जैसे आपने ले ली 954 ओके, 954 का निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए 954 का निकालने के लिए आपको 95 का स्क्वायर होना चाहिए याद, अब कैसे याद तो होगा नहीं, तो आप हमेशा ई आर ई ट्रिक लेंगे, तो ये आपका 100 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, और हाँ फ्रेंड्स ये देखिए 95 है ना, तो आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, 5 5 25 और इसकी 10 से गुणा 9 10 52 9 10 52 90 हो गया, एंड इसके लिए 2AB यानी 4 2 8 और ये 8 को हमने इससे मल्टीप्लाई करनी है, 8 5 40 का 0 कैरी आया 4 और 8 9 72 72 4 76 और ये 4 6 16 देखिए हमारे पर डबल डिजिट आ गई। अब कैसे करना है, इसका हमने 6 उतारना है, सिंगल डिजिट उतारते हैं और ये 1 बचा, ये आपका यहाँ आ गया, ये इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया 1 ठीक है, और ये 7 6 बचा वो आपका आ गया यहाँ पे, और ये हो गया 6 5 11 7 2 9 1 7 2 9 और 1 10 एक यहाँ पे कैरी हो गया 1 9 ये आपका निकल आया। अब देखिए आप जो ये ट्रिक है ना, मैंने जो आपको ये फॉर्मूला बताया है ठीक है, ये वाला इसको आप चाहो तो कोई भी संख्या में लगा सकते हो, एक मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2AB बी स्क्वायर ठीक है, तो अब जैसे आपने डिजिट ले ली 32 का आपको स्क्वायर निकालना है ठीक है, कितना 32 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है 3 का स्क्वायर यानी 9
टू ए बी, तो दो दुनी दो तिहाई छः, छः दुनी बारह, और बीस का यानी दो दुनी चार, ये चार उतारा, ये दो उतारा, ये किधर आ गया, ये आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने आप एक से लेके हज़ार के बीच में किसी भी संख्या का आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप 1 से 30 के बीच के जो भी स्क्वायर्स हैं वो आप लर्न कर लीजिए, जिससे आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो निकालने बहुत ईजी रहे। एंड आप प्रैक्टिस करिए, आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। और आप मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।